हेलो एवरीवन, कैसे हैं? सब बढ़िया? चलिए, तैयारी चल रहा है अच्छा से, और चलना भी चाहिए। आज से हम भी आप लोगों को तैयारी में सहयोग करने के लिए आ गए हैं। तो आज से कोशिश करेंगे एक एक वीडियो, एक से ज़्यादा भी वीडियो, हर सब्जेक्ट का वीडियो भी आपको दे सकें, और सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे हिंदी हिंदी का हो गया, साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, और रीजनिंग का भी हो गया। एक एक चैप्टर नहीं, एक एक वीडियो हम कोशिश करेंगे रोज़ देने का। और आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा ताकि अच्छे से तैयारी हो सके। और इस बार 5 दिसंबर को झंडा गाड़ के आना है और क्वालिफाई करके आना है इंद्रहाट इंट्रेंस एग्जामिनेशन को। तो आपको उसमें सहयोग करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप स्किप करके जा भी सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी सिलसिले में मैं मैथ का एक चैप्टर लेके आपके लिए आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाभ और हानि। जो हिंदी में बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी फायदा, इसलिए हम हिंदी में लिख दिए हैं, उनके लिए भी फायदा हो जाएगा। प्रॉफिट, इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं, मतलब फ़ायदा, लाभ जिसको बोला जाता है। एंड मतलब तो समझते ही हैं, और लॉस मतलब हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है प्रॉफिट एंड लॉस, और लाभ और हानि हिंदी मीडियम वाले के लिए, दोनों के लिए हम लिख दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ टर्म, कुछ वर्ड के बारे में जानना पड़ेगा। तब हम इस चैप्टर में जाएंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम कौन कौन सा वर्ड है उस वर्ड के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। इस वर्ड को हमेशा यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर में, तो इस वर्ड को हम यूज कर लेते हैं, जान लेते हैं जो सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, लॉस क्या होता है और गेन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब, इसको शॉर्ट में सीपी भी लिखते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी भी लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस मूल्य पे कोई भी चीज़ को खरीद के लाया जाता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सपोज डैट ए मार्कर दिख रहा है, ए मार्कर हम मार्केट से खरीद के लाए हैं। अगर 10 रुपया में मार्केट खरीद के लाए हैं तो 10 रुपया तो उसको हम पेड किए होंगे शॉपकीपर को, तो 10 रुपया वो दे दिए। तो 10 रुपया में जो दे दिए उसको और ख़रीद के लाएँ, तो वो 10 रुपया को हम बोलेंगे सीपी, मेरा कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे हम खरीद के लाते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। 10 रुपया जो होगा वो क्रय मूल्य होगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस प्राइस पे कोई चीज़ खरीद के लाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इतना समझिए सीधा सा, जो भी प्राइस मतलब जो भी पैसा पे कोई भी चीज़ खरीद के लाइए उस प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। हिंदी में उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, अगर 10 में खरीद के लाएँ तो 10 रुपया मेरे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब चलिए, ये 10 रुपया है, इसको हमको बेचने का मन कर गया, ये नहीं रखेंगे, ठीक है ना, इसको हम बेचते हैं। तो इसको 10 में खरीद के लाएँ, 15 रुपया अपने आप पे प्राइस रखें, इस पे लोगो लगा दिए, इसको जो जो भी इसका कॉस्ट है 10 रुपया, इसको इरेज करके इस पे 15 रुपया हम लगा दिए। ठीक है, हम इसको 15 रुपया में बेचेंगे। तो 15 रुपया में जो बेचे, 15 रुपया, 15 रुपीज, जिस रुपीज में बेचा जाता है कोई भी चीज़ को उसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो यहाँ मान के चलिए 10 रुपया में हम खरीदे तो 10 रुपया मेरे लिए कॉस्ट प्राइस होगा। इस प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस प्राइस पे कोई भी चीज़ को खरीदा जाता है उस प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम 15 रुपीज़ में बेचे हैं, 15 रुपीज़ में बेचे हैं, तो इसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जिस प्राइस में कोई भी चीज़ को बेचा जाता है उस प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब यह बेचने खरीदने में, हाँ, या तो हमको गेन होगा मतलब फ़ायदा होगा, नहीं तो लॉस होगा। दो ही चीज़ होता है, या तो फ़ायदा हो जाएगा और नहीं तो गेन होगा, और नहीं तो ना ही फायदा ना ही गेन। मतलब जितना मैं खरीद के लाएँ, 10 में खरीद के लाएँ, अगर 10 में बेच देंगे तो मेरे पैकेट में 1 भी रुपया बचेगा, नहीं बचेगा।
अगर यह 10 में खरीद के लाएँ और 15 में बेच रहे हैं तो 5 रुपया मेरे पैकेट में आ जाएगा। तो 5 रुपया जो आएगा उसको हम लोग गेन बोलते हैं। गेन कहीं भी टर्म अगर गेन लिखा हो या प्रॉफिट लिखा हो तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। गेन और प्रॉफिट दोनों का मतलब होता है लाभ, जिसको फायदा बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कोई भी सामान खरीद के चलो मेरे साथ घूमने चलो किसी को, अरे तुम्हारे साथ घूमने से क्या फ़ायदा। हाँ फायदा सोचता है कोई भी, मतलब कुछ भी चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम लोग फ़ायदा समझते हैं। हाँ स्कूल जा रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, हाँ आप तैयारी ही कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा। हाँ आप क्वालिफाई कीजिएगा, वहाँ पे आपका एडमिशन होगा, 6 to 12 फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िएगा, हाँ तो ये आपको बेनिफिट होगा। तो सब या तो कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, खरीद बेच करते हैं, या तो उसमें हमको गेन होगा प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 10 रुपीज़ था, सेलिंग प्राइस मेरा 15 रुपीज़ था, तो कितना का गेन होगा आप लोग अच्छी तरह से जानेंगे, 5 रुपया का फ़ायदा होगा। ठीक है ना, और लॉस वाले टर्म में मतलब समझिए 10 रुपया में हम खरीद के लाएँ और उसको हम 6 ही रुपया में बेच दिए, काहे कि हम इसको यूज कर लिए हैं, आपको पढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ कर लिए हैं, तो इसको 6 रुपया में ही बेच देंगे। तो 6 रुपया में बेचे तो कितना रुपया का हानि हो जाएगा, आप सीधे हिसाब जोड़ लीजिएगा, 10 में खरीद के लाएँ और 6 में बेचे हैं तो 4 रुपये का लॉस हो जाएगा। इतना बोलने का मतलब ये है कि आप ए टर्म जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, गेन है और लॉस है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे ये बुक दिख रहे हैं, ये बुक तो दिख रहा होगा अच्छा से स्क्रीन पे, ये बुक है उपकार पब्लिकेशन का नेत्रहाट रेसिडेंशियल स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, एक दुकानदार ए है और एक दुकानदार ए है। ठीक है, एक दुकानदार जो है इस बुक को 500 रुपीज़ में खरीद के लाया मार्केट से। ठीक है, कॉस्ट तो कम है इसका, आप देखिएगा। तो एज ए एग्जांपल आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, एक दुकानदार यहाँ पे दिख रहा है फिगर बना हुआ, एक दुकानदार है, एक दूसरा दुकानदार है। ठीक है, तो एक दुकानदार इस बुक को 500 रुपीज़ में खरीद के लाया, तो इसको भी 500 रुपीज़ में मिला ए बुक, ए भी बुक खरीद के 500 रुपीज़ में लाया, ये भी 500 रुपीज़ में खरीद के लाया, यहाँ लिखा हुआ है। तो जिस प्राइस में खरीद के लाया है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कॉस्ट प्राइस। ₹600 में बेचा, इस प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जिसको विक्रय मूल्य बोला जाता है हिंदी में, इसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, 500 में खरीद के लाया, ये 600 में बेच दिया, लेकिन ये दुकानदार के पास एक समस्या हो गया, 500 में तो खरीदा लेकिन ये बुक दिख रहे हैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा फटा हुआ दिख रहा होगा अच्छा से, फटने की वजह से ये 500 में तो खरीद के लाया लेकिन इस बुक का प्राइस, कोई कस्टमर आया बोला 500 मत दीजिए आप 400 रुपया ही दे के चले जाइए। तो ये दुकानदार जो था ये 500 रुपया में तो खरीद के लाया था लेकिन कस्टमर को ये 400 रुपया में ही दे दिया, क्योंकि ये फट गया था, ख़राब हो गया था ना, इसके वजह से 400 रुपया में ही इसको दे दिया। तो इसको जब 500 में खरीदा और 400 रुपये में बेचा तो हम कैसे पता करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देखना है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से तो गेन होगा, हमेशा याद रखिए, अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से तो गेन होगा। मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू गेन, जब भी एसपी सीपी से बड़ा हो तो आपको गेन होगा। अब सेकंड में चलते हैं, सेकंड शॉपकीपर के पास क्या हुआ, उसका सीपी बड़ा था एसपी से, मतलब खरीदा था ज़्यादा में बेचा कम में, तो लॉस होगा। ठीक है, तो इसी से कितना आप भी पता निकाल सकते हैं, 100 रुपया का इसको फायदा हो गया। मतलब गेन निकालने के एक फार्मूला आप लिख लीजिए, ऐसे सारा फार्मूला हम आपको नोट करवाएंगे जस्ट। तो गेन है, गेन इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, मतलब 600 माइनस 500, मतलब 100 रुपीज़ का क्या होगा इसको गेन हो गया, और इसको क्या हो गया लॉस, कितना 100 रुपीज़ का, सी पी माइनस एस पी, क्या कि खरीदा ज़्यादा में था बेचा कम में था, इसलिए इसको 100 रुपया का लॉस हो गया। तो आप क्या क्या टर्म इसमें समझ गए, इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, गेन क्या होता है और लॉस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस होता है जिस प्राइस में कोई भी चीज़ को खरीदा जाता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस जिस प्राइस में
जितना में कोई भी चीज़ को बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। गेन और प्रॉफिट को दोनों का मतलब लाभ होता है, और लॉस मतलब तो जानते हैं हानि हो गया, लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसको तो लाभ और हानि सब पता है, इतना टर्म समझ गए। इतना टर्म समझने के बाद हम आपको कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला बता देते हैं, फिर उस फार्मूला पे एक ही फार्मूला पे हम अच्छा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे और एक एक क्वेश्चन को समझा के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फार्मूला को लिखते हैं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद इस फार्मूला को खुद से बना लीजिएगा। देखिए कैसे बनाइएगा, कोई भी सामान को खरीदे मतलब सी पी यहाँ पर लिख देते हैं, सी पी इक्वल टू 10 रुपीज, और एस पी इक्वल टू 20 रुपीज, वेट वेट 15 ले लेते हैं, इतना दुगुना नहीं, ठीक है। हम यहाँ पे खरीदे हैं 10 रुपये में, बेचे हैं 15 रुपये में, तो हमको जब भी एस पी बड़ा है सी पी से, जब भी एस पी बड़ा हो सी पी से तो गेन होगा। तो पहला फार्मूला यहाँ लिख दीजिए, गेन कैसे निकालेंगे, तो गेन निकालेंगे जी ए आई एन, गेन, गेन मतलब लाभ। गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 10 में से 15 तो माइनस नहीं करेंगे, 15 में से 10 को माइनस करेंगे, इसलिए एस पी माइनस सी पी फार्मूला बन जाता है। जब भी आपको गेन निकालना हो तो एस पी माइनस सी पी, यहाँ पे लिख देते हैं गेन इक्वल टू फार्मूला बन गया सेलिंग प्राइस, SELL सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अब यहाँ पे देखिए गेन निकल गया। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन में, गेन कितना हो गया, तो यहाँ गेन भी लिख देते हैं, गेन इक्वल टू 5 रुपीज हो गया, होगा ना, खरीदे 10 रुपये में, बेचे 15 रुपये में, तो फ़ायदा 5 रुपये का होगा ना। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में आपसे बना कर पूछेगा, कभी सी पी दे देगा और गेन दे देगा, आपसे एस पी पूछ लेगा, मान के चलिए एस पी को हम मिटा दिए, ऐसे तो आपको पता है 15 रुपये एस पी है, लेकिन आपको पूछेगा सी पी इक्वल टू 10 रुपीज, गेन इक्वल टू 5 रुपीज, अब बताइए कितना में बेचे हैं। आप कोई सामान को 10 रुपये में खरीद के लाए हैं और 5 रुपये उस पर आपको फायदा हुआ है, तो कितना में बेचे हैं, तो दोनों को आप जोड़ दीजिएगा ना, तब ना 10 और 5 यहाँ पे 15 आ जाएगा, जो कि पहले भी 15 लिखा हुआ था। तो वही आप जब भी आपको एस पी पूछेगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला निकालने के लिए पूछेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, तो इसमें सी पी और गेन को जोड़ के तब सेलिंग प्राइस, तो उससे फार्मूला बन जाता है, तो यहाँ पे लिखिएगा कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन कीजिएगा, तब आपका एस पी निकलेगा, समझ गए। आप इसी फार्मूला से मान के चलिए, हम इसको मिटा दिए, सी पी तो आपको पता था 10 रुपया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसे घुमा के देगा, कोई भी आदमी है जो 15 रुपया में कोई सामान को बेचा है, उस 15 रुपया में उसको 5 रुपया का फ़ायदा हुआ है, तो कितना में खरीदा था, आपसे ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, मतलब कोई भी आदमी जो है वह 15 रुपया में कोई भी सामान को बेच दिया है, 15 रुपये अपने पैकेट में रख लिया है, ठीक है, उस 15 रुपया में उसको 5 रुपया का गेन हुआ है, मतलब फ़ायदा हुआ है, तो कितना में खरीदा था। तो आप सोच के देखिए, इस 15 और 5 के बीच क्या करेंगे जो हमको ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 ही रुपया लिखा हुआ था ना, 10 आ जाएगा, तो आप खुद ही सोचिएगा, 15 में से 5 को घटा देंगे, गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, लेकिन इस दोनों के बीच हम क्या करेंगे ताकि मेरा 18 आ जाएगा, तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना, घटाइएगा, तो वही देखिए यहाँ पे, तो आपको सी पी पूछ लेगा क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस तब खुद ही फार्मूला बना लीजिएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस किसमें से किसको घटाए हैं, इसमें से इसको घटाए हैं, तब ना आपको 10 आया था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सेलिंग प्राइस, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, खुद से भी भूलिएगा तो खुद से भी बना दीजिएगा,
सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस गेन, समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस गेन। अब यहाँ पे देखिए, अब एक एक मिटा का हमसे पूछ आपसे पूछ लेते हैं, पूरा डिवीजन हो जाएगा। मान के लीजिए 5 को मिटा दिए, सीपी खरीदा 10 रुपया में, बेचा 15 रुपया में, कितना रुपया का फ़ायदा हुआ? तो 15 में से 10 को आप माइनस कीजिएगा तो 5 रुपया का फ़ायदा हो जाएगा। तो गेन का फॉर्मूला, यहाँ गेन निकालने का फॉर्मूला आप लिख दीजिए, किस में से किसको माइनस करना है, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। इसी में से इसको माइनस किए तब ना आपको 5 आया, तो 15 में से 10 को माइनस किए तो 5 आया। तो एक फार्मूला आप लिए बन गया, जब भी गेन निकालना हो तो गेन निकालने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ता है, जितना हमें बेचे हैं उस प्राइस में से, खरीदे हैं उस प्राइस को माइनस करना पड़ता है, हो गया। अब चलिए एक इसको मिटा देते हैं, एसपी को। कोई भी आदमी 10 रुपये में खरीदा है सामान को और उस पर 5 रुपये का फ़ायदा लेके बेच दिया है, तो कितना में बेचा है बताइए। तो इस दोनों को ऐड करके फटाफट, तो आपको एसपी जब भी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, कितना में बेचा है वो प्राइस निकालना हो, तो आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखिए 10 रुपया और गेन 5 रुपया, दोनों को जोड़ना पड़ता है, तब जाके आपको एसपी निकलता है, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं आपको कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 15 रुपया तो हो गया था, अब कॉस्ट प्राइस को हम मिटा देते हैं। आप कोई भी सामान को बेचे 15 रुपये में, उस पर 5 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ है, तो कितना में आप खरीदे थे, तो आप 15 और 5 के बीच क्या कीजिएगा ताकि यहाँ 10 आ जाएगा, तो घटाइएगा, तो एसपी में गेन को आप घटाइएगा तो आपको सीपी आ जाएगा, मतलब 10 रुपया। तो जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस माइनस गेन करना पड़ता है, इतना क्लियर है। तब आगे चलते हैं, एक गेन के फॉर्म में था, अब लॉस के फॉर्म में बताते हैं। लॉस यहाँ पे लॉस लिख दीजिएगा और डैश दीजिए, इसमें भी सेपी निकालना है। अब चलिए फोर्थ फार्मूला लिखिएगा, लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस कोई पूछेगा, लॉस इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस तो पढ़ लिए हैं, जब भी लॉस निकालना है तो लॉस इक्वल टू क्या, तब याद कीजिए लॉस इक्वल टू प्रॉफिट गेन सेपी, पता नहीं दिमाग नहीं, तो फटाफट आप इस कंसेप्ट को अप्लाई कीजिएगा, खुद से फटाफट बना दीजिएगा। अब चलिए ये तो पहला एग्जांपल था, अब इसको मिटाते हैं, अब इसके जगह पे हम दूसरा लिखते हैं। मान के चलिए कोई भी सामान को आप खरीद के लाएं, सीपी, सीपी मतलब खरीद के लाना, सीपी इक्वल टू रुपीज 15, नहीं 12 रुपीज, चलिए सीपी 12 रुपीज है, और एसपी, एसपी आपका कितना है, एसपी रुपीज 10। मान के चलिए आप खरीद के 12 रुपया में कोई सामान को ला रहे हैं और बेच रहे हैं 10 रुपया में, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा, मतलब 12 में खरीद के ला रहे हैं, इस मार्कर को हम 12 में खरीद के लाएँ और 10 में बेच दिए, तो 2 रुपया का घाटा हो जाएगा ना हमको, 12 में खरीद के हमको दुकानदार को 12 रुपया देना पड़ा है और हम जो बेचे हैं तो हमको 10 रुपया ही पैकेट में आया, तो 2 रुपया का हमको नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे, तब ना मेरा 2 रुपया आएगा, तो लॉस मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लॉस इक्वल टू रुपीज 10, 2 रुपीज, ठीक है ना, लॉस आपका 2 रुपीज हुआ। तो 2 रुपीज कैसे आया, इसमें से किसको माइनस किए हैं, तो सीपी में से एसपी को माइनस किए हैं। तो यही फार्मूला आपका यहाँ पे बन गया, जब भी कोई लॉस का फार्मूला बोलेगा तो आप बोलिएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मतलब सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ फार्मूला लिख दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हो गया लॉस, लॉस का तो निकल गया, कॉस्ट प्राइस लॉस, जब भी एल ओ डब्ल एस लॉस, लॉस जब भी निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ता है, मतलब खरीदे ज़्यादा में हो जाता है, खरीदता है ना वो वाला पैसा ज़्यादा हो जाता है और बेचते हैं वो वाला पैसा कम हो जाता है, तब हमको घाटा हो जाता है। यही गेन निकालना होता तो ज़्यादा में बेचे हैं और कम में खरीदे थे तो ज़्यादा फायदा हो गया हमको, गेन हो गया, हाँ मतलब गेन कहने का मतलब लाभ हो गया, फायदा हो गया, जिसको प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है।
एक तो निकल गया, लॉस निकल गया। अब इसी लॉस के टर्म में फिफ्थ फार्मूला लिखिएगा, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा फिर से, कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदे थे। जब लॉस का बात हो तब इसी मान के चलिए, आपको सब पता है सीपी 12 रुपया, एसपी 10 रुपया, लॉस 2 रुपया। मान के चलिए हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, 12 रुपया हमको पता नहीं है। ऐसे तो पहले से आपको पता था 12 रुपया हमको पता नहीं है। जब आपको क्वेश्चन में दे देगा कोई एक आदमी है जो 12 रुपया में कोई सामान को ख़रीदता है और उस पर उसको 2 रुपया का घाटा होता है, लॉस होता है, तो खरीदा कितना में था। लॉस का जब भी बात हो जाए और जब हमको सीपी निकालने का बात आ जाए तो दोनों को जोड़ना पड़ता है, याद रखिएगा, तभी ना 12 रुपया यहाँ पे आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तभी 12 रुपया आएगा। मतलब कोई एक आदमी है जो 10 रुपया में कोई सामान को बेच दिया है, यही हम ही हैं। इस मार्कर को 10 रुपया में हम बेच 12 रुपया 10 रुपया में बेच दिए हैं और उस पर हमको 2 रुपया का घाटा हो गया। भाई 10 रुपया में बेचे हैं, उस पर हमको 2 रुपया का घाटा हो गया, तो हमको ओरिजिनल कितना में हम खरीदे थे। बोलेंगे 2 रुपया का घाटा हो गया, तो हम 12 रुपया में खरीदें तभी ना हम बोलेंगे 2 रुपया का मेरा घाटा हो गया। तो कहने का मतलब कोई एक आदमी, मतलब हम ही 10 रुपया में इस मार्कर को बेच दिए हैं, हम बोल रहे हैं 2 रुपया का घाटा हो गया, तो खरीदे कितना में थे हम, 12 रुपया में खरीदे थे। तो जब भी सीपी निकालना हो लॉस के फर्म में, लॉस की बात हो गया, लॉस की बात क्वेश्चन में अगर लॉस दिख गया, अगर हमको सीपी निकालना हो तो हम इस दोनों को जोड़ेंगे। एकदम ध्यान से रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में लॉस की बात हो गया अगर हमको सीपी निकालना हो तो इस दोनों को जोड़ेंगे, 10 + 2 = 12, मतलब एसपी प्लस लॉस। जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो फार्मूला बन गया एसपी प्लस लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस इक्वल टू व्हाट, तो एसपी प्लस लॉस करेंगे तभी ना हमारा 12 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। चलिए अब 6 नंबर में देखिए एक फार्मूला और लिखा बताते हैं। अगर आपको इसमें एसपी निकालना हो, एसपी निकालना हो मतलब सेलिंग प्राइस, बोल रहे कोई एक आदमी है जो 12 रुपया में कोई सामान को खरीदा है, मतलब खरीदा है 12 रुपीज, 12 रुपया में, उस पर 2 रुपया का उसको लॉस हुआ है। कितना रुपया का, 2 रुपया का। कोई एक आदमी है जो 12 रुपया में कोई सामान को क्या किया है, खरीदा है, 12 रुपया में तो खरीद लिया है, उस पर 2 रुपया का लॉस हुआ है, तो बेचा कितना में है, 2 रुपया का लॉस हुआ है तो बेचा कितना में है। तो मान के चलिए 10 तो आपको पता था, लेकिन हम यहाँ मिटा दे रहे हैं आपको, 12 और 2 के बीच आप क्या कीजिएगा कि 10 आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना, घटाइएगा, 10 और 12 और 2 के बीच आप घटाइएगा तभी तो 10 आएगा ना। तो आपका एक फार्मूला बन गया, जब भी आपको एसपी निकालने के लिए बोल दे और क्वेश्चन में लॉस का मेंशन हो, लॉस की बात कर रहा हो, तो एसपी अगर निकालना हो तो इस दोनों को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, मतलब सीपी माइनस लॉस। तो आपको कौन फार्मूला बन गया, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, लॉस सी ओ एस टी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। समझ में, इतना इतना फॉर्मूला तो दिख गया सब, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इतना फार्मूला तो आपको समझ में आ गया। अब आगे इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप ये प्रैक्टिस भी, ऐसे आप टेंशन मत लीजिए, सारा क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाएंगे, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। और चलिए आगे फार्मूला बताते हैं आपको हम। चलिए फार्मूला नंबर 7, 6 तक आप लिख चुके हैं, 7 में जब आपको गेन परसेंट निकालना हो, गेन परसेंट, सिर्फ गेन नहीं, सिर्फ अगर गेन निकालना हो तो आप सीधे एसपी माइनस सीपी करेंगे, लेकिन आपसे गेन परसेंट पूछते, परसेंट का साइन ऐसा होता है, ऐसा साइन परसेंट का साइन होता है, साइड में हम लिख देते हैं इसको, ऐसा साइन जो होगा ना, दो गो ऐसा डॉट, उसको परसेंट बोलते हैं,
PERCENT, हिंदी में प्रतिशत, प्रतिशत, हिंदी वाले जो पढ़ते होंगे वो इसको प्रतिशत बोलेंगे, और परसेंट जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको परसेंट। जब आपको गेन परसेंट पूछे, जब भी गेन परसेंट निकालना हो तो ऊपर लिख देंगे गेन, नीचे बाय CP मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 100 से गुना कर देंगे, आपको गेन परसेंट निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर, फार्मूला नंबर 8 में लिख लीजिए, लॉस परसेंट जब भी आपको निकालना हो, लॉस परसेंट, तो आप फार्मूला लिखिएगा लॉस बाय CP इंटू 100, ऊपर लॉस। जब भी गेन परसेंट निकालना हो तो कुछ नहीं, गेन परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा CP पे निकलता है। जब भी आपको गेन परसेंट निकालना हो तो ऊपर गेन और नीचे CP 100 से गुना, लॉस परसेंट निकालना हो तो ऊपर लॉस नीचे CP 100 से गुना। कहानी खत्म, गेन परसेंट भी निकल गया, लॉस परसेंट भी निकल गया। अब आगे में लिखिए फार्मूला नंबर 9, फटाफट नोट कीजिए, कॉस्ट प्राइस जब निकालना हो, कॉस्ट प्राइस जब भी निकालना हो तो एक फार्मूला आप लिख लीजिए, 100 बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP, SP कहने का मतलब सेलिंग प्राइस। फार्मूला नंबर 10 लिखिए, फिर CP निकालना हो अगर, जब लॉस हो तब, यहाँ तो गेन हुआ था ना, लॉस हो तब, 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। चलिए फॉर्मूला नंबर 11, 10 तक तो लिख लिए, 11 आप SP निकालना हो मतलब सेलिंग प्राइस, तो यहाँ 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP। फॉर्मूला नंबर 12, जब आपको SP निकालना हो तो SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट, मतलब गेन होगा तो ऐड होता है और लॉस होगा तो माइनस होता है, लॉस परसेंट बाय 100 इंटू CP। लिखिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब अगला वीडियो में मैं आपको सारा फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा और एक एक फॉर्मूला आपको पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा बिना रटे हुए। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।